टेलीग्राम चैनल से ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो तो कि हेल्पफुल साबित होंगे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है हम इनके कॉन्सेप्ट को समझ सके क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे थोड़ा सा समय लगाएंगे क्वेश्चंस पे पोल आपके सामने आएगा और आप जवाब देंगे ठीक कल की क्लास कोशिश करेंगे कि सात या आठ बजे से शुरू कर दें ताकि आपका हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा कर पाए आज की क्लास थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था लेना कुछ ऐसे ही सिचुएशंस चल रही थी तो बट कुछ कम क्वेश्चंस आज रखे हैं ट्वेंटी लेकिन क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस अच्छी है और कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत सारे जानने को मिलेंगे ठीक ना तो ये एक बात हुई और होपफुली uh, अभी सिक्सटी फोर परसेंट लोग ऑप्शन कह रहे हैं आंसर में फटाफट से चेक कर लेते हैं क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी है सिलेबस से हैं, है ना हम्म hmm. ठीक है भाई अगर देखो आ, समस्या हो रही है ना जिन भी लोगों में समझती हूँ थोड़ा सा इनकन्वीनियंस की समस्या हो रही होगी तो या तो उस केस में बट वही लाइफ भी देखना जरूरी है चलिए खैर समझते हैं। कल से आपकी क्लास फिक्स करेंगे इन लर्निंग असेसमेंट इज इसशियल फॉर तो ये कितना ईजी है सेवेंटी परसेंट लोग क्यों इसमें नाइनटी फाइव परसेंट लोग सही क्यों नहीं दे रहे जवाब है ना तो असेसमेंट इज इसशियल फॉर अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक है भाई आकलन क्यों कर रहे हैं हम जांच क्यों रहे हैं हम पता क्यों कर रहे हैं बच्चा कैसे सीखता है क्या फीडबैक है भाई फीडबैक के लिए कर रहे हैं या मोटिवेशन के लिए कर रहे हैं कि जो कमियां है उनको सुधार ले अगर कुछ अच्छा है तो उसको देख करके मोटिवेट भी हो जाए ये क्या हुआ आकलन जैसे आज आप साथ में क्या कर रहे हैं हम असेसमेंट कर रहे हैं आप पोल में जवाब दे रहे हैं मुझे पता लग पा रहा है कि 70 परसेंट लोग हैं वो ए ऑप्शन कह रहे हैं डी ऑप्शन 14 लोग कह रहे हैं और बी ऑप्शन 14 परसेंट लोग कह रहे हैं तो ये तो सबको पता है कि ग्रेड्स और मार्क्स के लिए नहीं किया जाता लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट और इसमें आप कंफ्यूज हैं तो एक तो मुझे क्या मिला फीडबैक मिल गया दूसरा आपको मोटिवेशन मिलेगी भाई जब हम देखेंगे कि सीखते कैसे हैं तो मोटिवेशन मिलेगी तो करना नहीं चाहिए लेकिन वहां पे जजमेंट किस चीज का अचीवमेंट का हो सकता है तो मोटिवेशन हो गया दूसरा ऑप्शन क्या फोस्टरिंग ऑफ द पर्पज ऑफ सेग्रीगेशन एंड रैंकिंग देखो कभी भी बच्चे को रैंक करने के लिए सेग्रीगेट करने के लिए हमने सीटेट के लेवल पे भी पढ़ा है आप असेस नहीं करते कोई भी काम इसलिए नहीं होता कि आप बच्चे पे लेबल लगा पाए तुम पास तुम फेल तुम फर्स्ट तुम सेकंड तुम थर्ड रैंकिंग के लिए असेसमेंट नहीं होता बच्चा सीखता कैसे उसके लिए असेसमेंट करते हैं ग्रेड्स और मार्क्स के के लिए लिए कि कितने परसेंट आए स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, ये भी नहीं है यहां पे असेसमेंट का जो जरूरत है या इसेंशियल है स्क्रीनिंग टेस्ट डिफरेंट परपजेस के लिए यूज होता है लेकिन असेसमेंट हम ये कहें कि जरूरी है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए वो अपने आप में एक तरह का टेस्ट है है ना तो ऐसा नहीं है कि यहां पे सब essential जो है जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है असेसमेंट की आकलन की जांचने की वो क्या है स्क्रीनिंग टेस्ट है कि जैसे आप स्कूल में बच्चे का एडमिशन भी कराते हैं तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट देना होता है तो ऐसा नहीं है ठीक ये भी गलत ये भी गलत ये भी गलत एक ही ऑप्शन पॉजिटिव है बच्चे के हित में है वो है मोटिवेशन अगर हम असेसमेंट की थोड़ी सी बात कर लें तो असेसमेंट क्या है पे एक बेसिक डिफरेंस समझेंगे तो असेसमेंट हिस्सा है किसका एवेल्युएशन का है ना आकलन जो है वो हिस्सा है मूल्यांकन का तो ये ध्यान रखना है जो भी कुछ आकलन में आता है वो सब एवेल्युएशन में आ जाएगा लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता जो भी मूल्यांकन में आता हो वो सब असेसमेंट में भी आता हो ठीक ये बेसिक डिफरेंस है ये जजमेंट के लिए जनरली किया जाता है और अगर किया जाना चाहिए ये बात नहीं है यहां पे फीडबैक या बच्चे सीखते कैसे हैं उसके लिए ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसे सीख रहा है बच्चा ठीक अभी हम असेसमेंट ट्राइंगल भी पढ़ेंगे आगे चल करके अभी ये शुरुआत है ये एकदम ट्राई बॉल जैसा क्वेश्चन था बहुत इजी क्वेश्चन था इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर टू है आपके सामने पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है क्वेश्चन टू क्या कहता है ये देखिएगा और लाइक like शेयर भी साथ में करते रहिएगा चलते रहेंगे समझते रहेंगे Formative और और होता है Formative जो है है जो जो वो वो के के लिए और summative जो है वो, के लिए मैम केवीएस लिंक ओपन करा दीजिए ऐप पर कैसा स्पेशल लिंक आई थिंक एडमिशन अभी ओपन ही होंगे अब बंद होने में एक दिन तो हो गई आ, नहीं नेहा और बताओ हाँ टुमारो इज माई फ्रेंड्स बर्थडे यार बर्थडे विशेष तो राज बाद में ले लेना अभी तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आज अंत तक जो ये ट्वेंटी क्वेश्चन हैं क्वालिटी क्वेश्चन हैं इनको समझेंगे अगर तो बहुत सारी चीजें मेरी कोशिश ये है कि टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाए जो सिलेबस से रिलेटेड चीजें हैं चाहे वो करिकुलम हो चाहे वो अदर चीजें हो है ना और कल थोड़े ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है नौ बजे ही शुरू करें बट क्वेश्चन की संख्या ज्यादा होगी तो कल थोड़ा सा आप लोग तैयार होकर के बैठिएगा हो सकता है आठ बजे भी लगा दें क्लास हम्म फर्स्ट का ए तो हम कह सकते हैं फर्स्ट का ए जो लोग कह रहे हैं देखते हैं एक बार आ टीचर यूजेज द एक्सप्लोरेटरी अप्रोच यूज ऑफ मेनिपुलेटिव एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन डिस्कशन वाइल गिविंग दी कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स शी यूजेज दिस स्ट्रेटेजी टू तो ये केंद्रीय विद्यालय की के वेबसाइट पे मॉक टेस्ट में भी गिवन है क्वेश्चन तो ऐसा नहीं कि किसी और सब्जेक्ट की बात नहीं कर सकता पैडोगॉल में पैडोगोजी मतलब पढ़ाएंगे कैसे आर्ट ऑफ टीचिंग साइंस ऑफ टीचिंग पेडोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि वो आपसे ये बात नहीं कर सकता कि किसी और सब्जेक्ट के बारे में जरा भी बात ना हो तो आपकी सीटेट की नॉलेज भी यहां काम आने वाली है तो एक शिक्षक गणित के संप्रतियों को सिखाते हुए खोज परक उपागम का उपयोग करती है विद्यार्थियों की व्यावहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उन्हें चर्चा में शामिल करती है एक्सप्लोरेटरी अप्रोच का मतलब एक्सप्लोरेशन यानी अन्वेषण या एक तरह से हम कहें कि बच्चे को आजादी है एक्सप्लोर करने की खोज की एक तरह से डिस्कवरी लर्निंग को ये सपोर्ट करता है कहीं ना कहीं है ना उसको अपने अंदर जोड़ता है तो अगर हम कहें एक्सप्लोरेशन की बात जहां टीचर जो है वो कॉन्सेप्ट्स को सिखाते समय खोज परख के बच्चे को खोजने का मौका दे रहे हैं एक्सप्लोर करने का मौका दे रहे हैं कि तुम देखो जाके कोई वेबसाइट से देखो कुछ डिस्कशन करो कोई एक्टिविटी करके सीख लो कहीं अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कुछ अगर कहीं गए थे मान लीजिए किसी बारे में बात हो रही है तो बेसिकली हम बच्चे को खोज परख अप्रोच अपना रहे हैं यहां पर यूज ऑफ मेनिपुलेटिव

है ना कि हम ये चाहते हैं कि बेसिक कैलकुलेशन सीख ले डेली लाइफ में बेसिक एप्लीकेशन सीख ले है ना ये सारी चीजें लेकिन ब्रॉडर एम क्या है आपके उन नोट्स में भी गिवन है है ब्रॉडर एम ये है कि भैया उसका थॉट को हम मैथमेटाइज कर पाए अचीव द हायर एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स डेवलप मैनिपुलेटिव स्किल्स अमॉन्ग द स्टूडेंट्स अब मैनिपुलेटिव स्किल्स होती हैं एक तरह से कि हम बच्चे को बॉल फेंकना सिखा रहे हैं कुछ फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड सिखा रहे हैं हम उसको ठीक है ना तो यहाँ पे सबसे बेहतर जो है वो है वो कि क्रिएट अ सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए एक अलग तरह का प्रिपेयर करने के लिए हमें तैयार करता है क्या वो है आपका एक्सप्लोरेटरी अप्रोच अब एक्सप्लोरेटरी अप्रोच में क्या क्या चीजें आती हैं ये थोड़ा जानना जरूरी है क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ना इसके आसपास की चीजें भी करनी है अच्छा कई लोग इसलिए भी परेशान होंगे कि हाई वाइस प्रिंसिपल का पेपर हो गया प्रिंसिपल का पेपर हो गया बहुत मुश्किल ये वो देखो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के एग्जाम से आप अपने PRT या TGT को वैसे भी कंपेयर नहीं कर सकते उसमें अंतर हमेशा रहता है 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 वो एक लेवल अप ही होता ठीक ना और ये अभी होने वाला है। ऐसा ऐसा कंफ्यूजन या ऐसी भ्रांतियां या कुछ हद तक चलो सही भी है क्योंकि लैंग्वेज केवीएस के एग्जाम की अच्छी रहती है है ना तो इस लेवल ऑफ क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि खराब होता है बट अगर आप कॉन्सेप्ट स्टिक करते हैं तो वही आपके हाथ में तो उस केस में बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना और अपना शांति से जो आप सिलेबस पे स्टिक कर सकते हो जितना एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो पढ़ते रहो प्रैक्टिस यहां कर सकते हो साथ में कहीं और कर सकते हो वो करो बट ये मत सोचो बहुत कुछ अलग दुनिया से अलग आ रहा है पेपर में अगर दुनिया से अलग आ रहा है तो वो तो फिर कोई भी नहीं कर पाएगा ना दुनिया से ही अलग है फिर वो ठीक चलिए खैर देखते हैं ऑफ एक्सप्लोरेटरी लर्निंग यानी ये जो खोज की हम बात कर रहे थे इसमें इसकी विशेषताएं क्या है एक तो ओपन एंडेड लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते है, हैं यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य है सीखने के वो बच्चे के हिसाब से तय होंगे या हम कहेंगे उसकी नीड के अकॉर्डिंग या फ्लेक्सिबिलिटी उस पर होगी क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है कोई परेशानी नहीं है हाँ क्लियर है फिर आते हैं हम प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन दैट लीड स्टूडेंट्स टू एन एरे ऑफ आंसर एंड फर्दर क्वेश्चन यहां पर प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच से कहानी शुरू होती है एक प्रॉब्लम आपके साथ में पोज की जाएगी फिर बच्चे एक्सप्लोर करेंगे ठीक स्टूडेंट चॉइस इन दी साउंड एंड इंस्ट्रूमेंट दे आर एक्सप्लोरिंग जो भी बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लोर करना चाहते हैं जिस भी फील्ड में वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं वहां उनकी चॉइस होती है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है यानी रचनावादी उपागम है जो कि आपके सिलेबस में भी गिवन है कॉग्रेटिव बिहेवरिस्ट और कंस्ट्रक्टिविस्ट लास्ट में एक क्वेश्चन है भी इस पर देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है सेफ एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरमेंट्स कैसा होना 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 चाहिए? चाहिए चाहिए आपके स्लेवस में भी गिवन सपोर्टिव का मतलब होता है समृद्ध जो आपको आगे बढ़ाए जो आपको आगे बढ़ाए ठीक तो अगर हम बात करते हैं मैम प्लीज केवीएस स्पेशल बैच का लिंक ओपन कर दो ऐप पर शिवम पांडे के साथ कोऑर्डिनेट कर लूंगी अगर हो सकता होगा बिल्कुल कल हो जाएगा सेफ एंड सपोर्टिव लर्निंग वेयर स्टूडेंट्स कैन सक्सीड और फेल विदाउट पेनल्टी व्हेन एक्सप्लोरिंग देयर म्यूजिकल आइडियाज मान लीजिए म्यूजिक की हम यहां बात कर रहे हैं किसी भी अदर सब्जेक्ट की भी अगर हम बात करेंगे तो सेफ और सपोर्टिव ऐसा एनवायरमेंट जहां बच्चा फ्रीली अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर सके वो एक्टिविटी करे तो इस बात का डर ना हो कि मैं फेल हो जाऊंगा या इस बात का ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा इस तरह की ना हो कि रिजेड हो रहे हैं हम उसके साथ जहां वो फेल भी हो तो कंफर्टेबली हो सके क्योंकि ट्राई करना इंपॉर्टेंट है फेल होना पार्ट है एक्सटेंसिव टाइम टू एक्सप्लोर विदाउट रशिंग स्टूडेंट मतलब हम ये कह सकते हैं कि समय जो है वो अच्छा खासा देना चाहिए ऐसा नहीं है कि एक एक मिनट के लिए हम बच्चों के पीछे पड़ जाए बहुत रिजिट टाइम टेबल बना दें टीचर गाइडेंसाइज एक्सप्लोरिंग रेदर देन ऑर्गेनाइजिंग द दे सेंसरी क्वालिटीज ऑफ साउंड तो हम ये कह रहे हैं कि भाई एक आपका ऑर्गेनाइज एक्टिविटी होनी चाहिए अच्छा इसमें कुछ पांच एलिमेंट है साइकिल में जब हम एक्सप्लोरेटरी लर्निंग की बात करते हैं तो इसमें पांच एलिमेंट्स हैं इन पांच एलिमेंट्स को जान लेते हैं क्या पता कहां नजर आ जाए और अगर हम बात कर रहे थे चाहे वो एक्सप्लोरेटरी एक बच्चा करेगा खोज करेगा किसी एक समस्या के समाधान तक पहुंचेगा ठीक तो ब्रूनर ने दिया नाइनटीन में ठीक और अगर हम बात करें एक्सप्लोरेटरी की तो इसी का एक फॉर्म कह सकते हैं अगर देखा जाए तो है ना एक्सप्लोरेटरी तो एक्सप्लोरेटरी में क्या है? ये भी एक तरह का खोज है एक तरह की खोज है जहां पे बच्चा एक्टिव है दोनों ही क्या है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है मीनिंगफुल लर्निंग यानी क्या होता है यहाँ पे अर्थपूर्ण अधिगम होता है अर्थपूर्ण अधिगम होता है है ना मीनिंगफुल लर्निंग होती है कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद जहां बच्चा एक्टिव है टीचर फैसिलिटेटर है ये बात हमको पता है ठीक लर्निंग बाय डूइंग हो रही होगी देखिएगा कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन लोग थे प्याजे वाइगोस्की ब्रूनर ये सब जो है महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग हैं ठीक है क्लियर है इतनी बात गर्मी जो है है हमारे स्टूडियो में हो गई है, तो अब हमारे यहाँ सर्दियां जा चुकी हैं और हमको जो है थोड़ा सा एक मिनट का समय आप देंगे और हम एनर्जी से पढ़ेंगे फिर क्या कहती हूँ निशा बढ़िया कहती हूँ बहुत बढ़िया इतनी तो गर्मी आई नहीं थी जितने हम मूड में आ गए मुझे लगता है सबसे पहले गर्मी हमारी ही आ गई है देखिएगा अगर हम बात करें यहां अगर हम बात करें ठीक कोई दिक्कत नहीं आज थोड़ा फ्लो बनाएंगे आज थोड़ा फ्लो बनाएंगे डोंट वरी हाँ ये कोल्ब वाली ही है एक तरह से ये डिस्कवरी लर्निंग की ही आ, उसकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग की ही बात करते हैं एक्सपीरियंस के बेस पे सिखाने की बात होती है एक्सप्लोरेटरी लर्निंग में भी है ना उसको जोड़ दिया गया है इसके साथ जो आप ये छोटे छोटे लाइंस देख रहे हैं ये जोड़ दिया गया है किसके साथ कोल्ब के साथ यहां पे तो एक्सप्लो एक्सप्लेनेटरी में किसी का हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि हम इस साइकिल के लिए किसी को नाम भी दें ठीक और दूसरी बात हमने एक्सपीरियंशियल लर्निंग को भी यहीं जोड़ दिया क्योंकि एक्सपीरियंस के बेस भी तो सिखा रहे हैं ना हम कंस्ट्रक्टिविज्म की कोई भी अप्रोच है अगर चाहे वो डिस्कवरी लर्निंग हो चाहे वो एक्सप्लोरेटरी हो चाहे वो आपका ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कोल्ब का साइकिल हो ठीक है ना दोनों में हम सिखाते रहे हैं, बच्चे को एक्टिव ही तो रख रहे हैं और क्या कर रहे हैं ठीक बात है या नहीं बात ठीक है या नहीं है बता दो कोई दिक्कत नहीं है बहुत बढ़िया देखेगा तो अगर हम बात करते हैं यहां किस चीज की पहला पॉइंट है एक्सपीरियंस पहले हम सिर्फ ये देखेंगे एक्सपीरियंस यानी अनुभव यानी आपने कुछ अनुभव किया ये अनुभव आपका लिव्ड एक्सपीरियंस हो सकता है कि आपने कोई चीज अनुभव की अपने जीवन में वास्तविक जीवन में निजी जीवन में या फिर आपने किसी चीज को टीवी पर देखा वर्चुअल अनुभव भी हो सकता है तो पहला क्या हुआ अनुभव किया आपने एक्सपीरियंस किया इसको हम अगर कोल्ब की भाषा में देखें तो ये एब्स्ट्रैक्ट या फिर लिव्ड और वर्चुअल तो ये अमूर्त है एक तरह से अगर हम कोलम की भाषा में देखें तो बट हम क्या करेंगे इसको नॉर्मली पहले गी वाली साइकिल पढ़ लेते हैं फिर कोल्ब पे जाएंगे किसी और दिन क्योंकि कोल्प से आए ना आए देख लेते हैं फिर आता है एक्सप्लोरेशन अब जब अनुभव कर लिया तो व्यक्ति क्या करेगा एक्सप्लोर करेगा या बच्चा क्या करेगा एक्सप्लोर करेगा खोजबीन करेगा जिसमें वो ऑब्जर्व करेगा चीजें एक्टिविटी करेगा लर्निंग इंटरैक्शन तो बेसिकली वो एक्टिवली इन्वॉल्व है एक्सपीरियंस में आपने एक्सपीरियंस कर लिया मेरे सामने कोई मूवी चल रही है मैंने अनुभव कर लिया कुछ हुआ मेरे साथ वो अनुभव कर लिया अब एक्सप्लोरेशन में मुझे उस पर सोचना है एक्टिवली ऑब्जर्व करना है एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व रहना है क्या कह गरिमा फिर आता है थर्ड रिफ्लेक्शन जब मैंने एक्सप्लोर किया मैं एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रही मैं ऑब्जर्वेशन में इन्वॉल्व रही मैं लर्निंग में इन्वॉल्व रही तो उसके बाद क्या होगा फिर मैं रिफ्लेक्ट करूंगी आपके पूरे सिलेबस में रिफ्लेक्शन इज इंपॉर्टेंट कि चिंतनशील होना टीचर का मुड़ करके ये देखना कि जो पढ़ाया वो किस हद तक अच्छा था उसमें क्या पर? परिवर्तन किया जा सकता था कैसे लर्निंग को बेहतर कर सकते हैं ये रिफ्लेक्शन का ही पार्ट है ठीक है बात कोई दिक्कत नहीं है तौसीक देखते हैं, पहले भी उसकी हो चुकी है, तो मेटा रिफ्लेक्शन कहेंगे इसको कि पीछे पलट करके देखना कि चीजें जो हैं वो जैसी हुई हैं वो सही हैं या उनमें परिवर्तन क्या हो सकता था फिर आता है फॉर्मिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स अब आप फॉर्म कर रहे हैं अपने अमूर्त संप्रत्यों को अपने अनुभव अपने एक्सप्लोरेशन अपने रिफ्लेक्शन के आधार पर हैं, हैं फिर उसको वेरीफाई करेंगे या टेस्ट करेंगे जो कि लास्ट में हम हर एक प्रोसेस में करते ही हैं ठीक तो टेस्टिंग इन डिफरेंट सिचुएशन एबसे और वर्चुअल चाहे वो वर्चुअल सिचुएशन में हम उसको अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो वहां

आपने एक फॉर्म किया जो भी आपका कॉन्सेप्ट है फिर आपने टेस्ट या वेरीफाई या इवेलुएट किया ठीक ये कहा एक्सप्लोरेटरी साइकिल में ही अभी ये बातें चल रही हैं अभी हम थर्ड क्वेश्चन पे हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी लंबी रहने वाली है द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इंप्लाइज यानी सतत एवं समग्र मूल्यांकन की संकल्पना से क्या तात्पर्य है कि हम लगातार भी सीख रहे हैं और कॉम्प्रिहेंसिवली यानी इन ऑल आस्पेक्ट ठीक फटाफट से जवाब दीजिएगा पोल में फिर हम आगे की बात करेंगे ठीक है ना गौरव ट्राई करते हैं भाई ट्राई करते हैं एक्चुअली समय की इतनी तंगी है हम लोग कितने आठ हजार लोग जुड़े हैं अभी चलिए बहुत बढ़िया अब आप डेली आपकी क्लास जो है पेपर तक चलती रहेगी जिनका अभी हम मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि परसों टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है पीआरटी के लिए यूनिट यूनिट वाइज क्वेश्चन हमको कुछ करने होंगे मतलब उससे पहले पहले कर लेंगे पीआरटी के एग्जाम से यूनिट वाइज अभी एक दो दिन मिसलेनियस चलाते हैं कुछ सौ दो सौ क्वेश्चन कर लेते हैं और उसमें क्या है कि सभी तरह के क्वेश्चन कवर्ड हो जाएंगे ठीक कवर हो जाएंगे ठीक है बहुत बढ़िया 58 परसेंट लोग कह रहे हैं कि आंसर जो है वो डी होना चाहिए चलिए अब शेयर भी कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको पता ही नहीं है क्योंकि एक हफ्ते से नौ दस दिन से क्लास आपकी हुई ही नहीं थी यूट्यूब पे द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड इंप्लाइज अब ऐसा नहीं सीसी -सी हुआ है अगर टॉपिक में तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता हमेशा याद रखिएगा जब भी पेपर में बात हो जो ईजी कॉन्सेप्ट है अगर आप उनके भी क्वेश्चन गलत कर देंगे तो फिर मुश्किल में तो वैसे ही गलतियां बाकी लोग भी करने वाले हैं तो ये अपने आप में खराब बात हो जाएगी इसको ये नहीं सोच लेना अरे ये तो पता है वो ये तो पता ही से ही नंबर आने हैं और ये तो पता है वाले टॉपिक के क्वेश्चंस गलत हुए तो गई गाड़ी ठीक सतत एवं समग्र मूल्यांकन तो डी ऑप्शन कह रहे सिक्सटी 60% लोग तो अगर हम देखें आ लर्नर्स प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट इन ऑल स्कूल एक्टिविटीज बिल्कुल हम क्या है ये होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करेगा कि हम बच्चे को सर्वांगीण रूप से देख पाए जांच पाए स्कोलास्टिक होता है सिर्फ पेपर पेंसिल या आपका स्कोलास्टिक को हम कहते हैं शैक्षिक पक्ष जो सिर्फ क्लासरूम के अंदर पढ़ाई लिखाई पे,

In and से ही संबंधित है कि पेन पेपर टेस्ट से ही संबंधित है तो यहां पे क्या बात होगी एक अधिगमकर्ता की सभी विद्यालय गतिविधियों में उन्नति एवं उपलब्धि हर तरह की एक्टिविटी इन ऑल स्कूल एक्टिविटीज अगर मैं देखूं यहां पे तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी बात सीसी की होगी सतत एवं ये सीबीएसई ने लागू किया था 2009 में एक इवेल्यूशन का मूल्यांकन का एक सिस्टम है जिसमें हम सीसीई में क्या है आपका करिकुलर और को करिकुलर दोनों ही एक्टिविटीज आपकी शामिल होती है, है ना स्कोलैस्टिक और को स्कोलेस्टिक स्कूल मतलब ऑल एक्टिविटीज एक एक तरह से हम हर एक पक्ष में बच्चों को जांचने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ पेन पेपर पे नहीं सिर्फ परसेंटेज वाइज ही नहीं हम चाह रहे हैं कि उसका aptitude, उसका एप्टीट्यूड एटीट्यूड हम उसको हर एक पक्ष में वो म्यूजिक में कितना अच्छा है वो स्पोर्ट्स में कितना अच्छा है वो क्या अच्छा कर सकता है है ना शैक्षिक प्लस है शैक्षिक करिकुलर प्लस को करिकुलर कह लीजिए आप या होलिस्टिक होलिस्टिक वर्ड तो इतना प्यारा है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो आपका चाहे सी हो डेवलपमेंट का चैप्टर हो हर जगह पे सर्वांगीण पॉइंट जो है यानी इन ऑल आस्पेक्ट हम बच्चे को ऑल एस्पेक्ट्स में यानी सभी पक्षों में जांचने की बात कर रहे हैं ना कि सिर्फ नंबर देकर के एक ही पक्ष में अगर हम इसको ऐसे देखें इसमें सीसीई में भी इस, एक जो पहला सी है वो है कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार यानी कॉन्टिन्यू रखेंगे हम किसी चीज को है ना ड्यूरिंग द

इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाए एम्पार कर पाए हम उसको एग्जिबिट कर पाए एग्जिबिशन यानी प्रदर्शनी जो भी उसने बेहतर किया है जैसे साइंस प्लेट वगैरह होती है टीचिंग प्रोसेस का हिस्सा हो जाएगी करिकुलम में चीजें इस तरह से डिजाइन हो होकर बच्चा एंगेज रहे एक्सप्लेनेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें मैं बीच में, में लगाती रहूंगी जिनसे आपको थोड़ा सा फायदा होता रहे जब आप नजर डालें तो इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे इसमें किसी का नाम नहीं आएगा लेकिन करिकुलम के लिए क्या सिद्धांत हो गया इंपॉर्टेंस क्या हो गई कि एंगेज रहे बच्चा इस तरह का करिकुलम प्लांट हो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज भी होता रहे एम्पार करें हम बच्चे को यही तो कह रही है ना डिस्कवरी लर्निंग यानी खोज अधिगम की जब हम बात कर रहे हैं स्पाइरल की बात कर रहे हैं ब्रूनर एक्सप्लोरेशन एक्सप्लेनेशन और एग्जीबिशन एक्सप्लोरेशन में बच्चा अनुभव करेगा चीजें डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्लेनेशन में तो आप उसको और बेहतर तरीके से एज अ टीचर क्या कर पाते हैं समझा पाते हैं उससे जुड़ पाते हैं एक्जिबिट में फिर आप फाइनली जो भी प्रोडक्ट है मतलब जो भी लर्निंग है उसको प्रदर्शित करते हैं अगर इवेल्युएशन के ट्राइंगल की हम बात करें ये इंपॉर्टेंट है अगर हम मूल्यांकन के ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अभी हम सीसीई की बात कर रहे थे तो इवेल्युएशन ट्राइंगल की अगर हम बात करें जैसे हमें पता है एजुकेशन क्या है ट्राइपोलर प्रोसेस है किसने दिया जॉन जॉनडुई ने टू बाइपोलर प्रोसेस कौन कह रहा था जॉन एडम्स कह रहे थे तो ये ट्राइंगल की अगर इसी तरह से वो अलग एक ट्राइंगल हो गया ये अलग ट्राइंगल है तो इवेल्युएशन ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो एक सिरे पर होता है एक कॉर्नर पे है क्या आपका ऑब्जेक्टिव यानी आपके क्या कहते हैं भाई ऑब्जेक्टिव को बताइए उद्देश्य ठीक कि हम पढ़ा क्यों रहे हैं उसके उद्देश्य क्या हैं एक तो ये चीज हो गई फिर बाद में हम लर्निंग आउटकम्स देखते हैं कि वो उद्देश्य किस हद तक अचीव हो पाए वो ऑब्जेक्टिव किस हद तक अचीव हो पाए इसलिए भी हम कई बार अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं ठीक है फिर आता है लर्निंग एक्सपीरियंस पहले ऑब्जेक्टिव सेट हो गए भाई कोई काम हम क्यों कर रहे हैं उसका एक उद्देश्य तो होगा जीवन में है ना आप किसी को पसंद कर रहे हैं उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो उद्देश्य कुछ तो रहा होगा आपके दिमाग में ठीक है फिर क्या है लर्निंग एक्सपीरियंस लर्निंग एक्सपीरियंस है कि जब क्लासरूम में पढ़ाई लिखाई चल रही है या फिर जो भी एक्सपीरियंसेस स्कूल के दौरान हो रहे हैं तो ये अधिगम के अनुभव हो गए अधिगम अनुभव हो गए ये हम कह सकते हैं ठीक अधिगम अनुभव हो गए हम ये कह सकते हैं ठीक है फिर हम आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है यानी मूल्यांकन तो हम ये कह सकते हैं कि के इवेल्युएंगल में सिर्फ एक मूल्यांकन नहीं है कि सीधा सीधा आप इवेल्यूएट कर देंगे पहले उद्देश्य निर्धारित होंगे इन उद्देश्यों के अगेंस्ट क्या है पहले अनुभव दिए जाएंगे उन अनुभवों के बाद हम ये देखेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव सेट हुए थे जो उद्देश्य निर्धारित किए थे जो गोल्स आपने बनाए थे वो किस हद तक अचीव हो पाएंगे या हो पाए हैं ठीक है ना बहुत बड़े तेज प्रताप क्लियर है हाँ कोई कह रहा है आप भी मुस्कुरा रहे हैं हमें तो अधिकार ही नहीं है हैं मजाक कर रहे चलो आगे बढ़ते हैं समझते हैं और जानेंगे चीजों को अगर हम बात करते हैं यहां तो इसमें तीन चीजें थी ओ एल ई से आप याद रख सकते हैं है ना ओला नहीं है ये ओल है क्या है ऑब्जेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो हम स्कूल में या पूरे ईयर में दे रहे हैं और इवेल्यूएशन ये इवेल्यूशन ट्राइंगल के तीन सिरे हो गए फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन आपका पढ़िएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहां से असली क्वेश्चन शुरू हुए हैं अब तक तो हम ट्राइबॉल ट्राइबॉल खेल रहे थे देखिएगा तो द टेंडेंसी ऑफ टीचर्स टू गिव हाई रेटिंग टू स्टूडेंट्स विदाउट क्रिटिकली एग्जामिनिंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क टें टू पढ़ लो एक बार कोई दिक्कत नहीं है पोल में जवाब दे दो है ना कम समय में जवाब देने की कोशिश करो बहुत बढ़िया चलिए समझे चीजों को कह फोर्टी फाइव परसेंट लोग कोई दिक्कत नहीं है अभी जितने भी दिन बचे हुए उसमें पूरा जितना जो कर सकते हैं वो कर लेंगे डोंट वरी ठीक है चलें आगे बढ़ें देखिएगा 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 अगर हम बात करते हैं यहां ये कह है रहे हैं ज्यादातर लोग चलिए समझेंगे अगर हम बात करें यहां पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बहुत प्यारा क्वेश्चन है इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा मुझे लगता है पर्सनली कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी से एक क्वेश्चन आना चाहिए द टेंडेंसी और ऐसे ही फंसाएगा आपको सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपके वैलिडिटी क्या होती है तो आप बता देंगे भाई वैलिडिटी वो होती है जो जिस चीज के लिए बनाया गया है मान लीजिए टीचिंग का पेपर है तो जो जिस चीज के लिए बना है उस चीज को जांचता है कि नहीं जांचता है ऐसा तो नहीं टीचिंग के एग्जाम में यूपीएससी के क्वेश्चन दे दिए हैं तो वो वैलिड नहीं कहलाएगा रिलायबिलिटी क्या है जब बार बार सेम रिजल्ट आए ये बातें अब आप खूब जान चुके हैं सीटेट में आपने घोल करके पी लिए हैं ये लेकिन अब केवीएस को आपके कान सीधा सीधा यहां से नहीं घुमा करके पकड़ना है ठीक तो क्वेश्चन इस तरह का आएगा देखते हैं द टेंडेंसी ऑफ टीचर्स टू गिव हाई रेटिंग टू स्टूडेंट विदाउट क्रिटिकली कार्यों की की गुणवत्ता की बिना आ, के बिना समालोचनात्मक जांच के उच्च श्रेणी देने की अध्यापकों की प्रवृत्ति यानी हम बच्चे की कॉपी में यह देख ही नहीं रहे कि वो उसने कितना क्वालिटी वर्क किया है है ना कि उसने ठीक है ना उसने कितना क्वालिटी वर्क किया है तो विद्यार्थी की कार्य की गुणवत्ता हम देख ही नहीं रहे कि क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है हम देख रहे हैं हमें राइटिंग पसंद आ गई या हमने जितना वो डिजर्व करता है उससे कहीं ज्यादा नंबर हम बिना क्रिटिकल थिंकिंग के ही दे दे रहे हैं तो इससे होगा क्या रिड्यूस द रिलायबिलिटी ऑफ देयर इवेल्युएशन यानी इवेल्युएशन की ही रिलायबिलिटी कम हो जाएगी या फिर रिड्यूस दैलिडिटी ऑफ देयर इवेल्युएशन यानी वैधता कम हो जाएगी या फिर अगर हम कहें इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ देयर इवेल्युएशन देख इंक्रीज तो इससे कुछ नहीं होने वाला तो आंसर क्या है या तो ए होगा या तो बी होगा ठीक है या तो ए होगा या तो बी होगा क्लियर है बात तो अगर हम बात करें अगर हम बात करें यहां 58 परसेंट लोग ए कह रहे हैं ऑप्शन को चलिए देखते हैं समझते हैं जानेंगे और तरुण थोड़ी सी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है आज चेकअप के लिए गई थी चलिए खैर ये सब चीजें जो है चलती रहेंगी पैरेलली और पहले से चीजें बेहतर हो जाएंगी वरी बताइए ए ऑप्शन कोई कह रहा है बी लग रहा है देखते हैं इसको देखते हैं हमारे पास एग्जैक्ट आंसर अवेलेबल ही नहीं है अगर हम देखें तो ये देखें जो वेबसाइट पे मॉक टेस्ट दिया है वहां से उठाया हुआ क्वेश्चन है ठीक तो अगर हम देखें यहां पे तो टेंडेंसी ऑफ टीचर्स टू गिव हाई रेटिंग्स टू स्टूडेंट्स विदाउट क्रिटिकली एग्जामिनिंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क ये क्या है टेंडेंसी बन गई है टीचर्स क्या है बार 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 क्या करते हैं जितनी वैल्यू है उस चीज की उससे ज्यादा नंबर दे रहे हैं

मुझे पर्सनली ये लगता है यहां पे कि रिड्यूस द रिलायबिलिटी ऑफ देयर इवैल्यूएशन भाई अगर रिलायबिलिटी हो सकती है क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन से हर बार उनको एक्स्ट्रा ही देना है रिलायबिलिटी भी कम हो सकती है बट वैलिडिटी तो 100 एंड 110% धीरे-धीरे कम होती ही चली जाएगी उसका रीजन क्या है अच्छा इसमें एक और शर्त है कि जो टेस्ट वैलिड है शर्त भी जो टेस्ट वैलिड है जो टेस्ट वैलिड है ज्यादा चांसेस है कि वो रिलायबल अपने आप हो जाएगा है ना ज्यादा चांसेस है कि वो रिलायबल अपने आप हो जाएगा इसमें हंड्रेड परसेंट हिसाब किताब नहीं होता बट ये स्टेटमेंट चलता है अगर आप देखेंगे एग्जाम्स में कि अगर वैलिड है तो रिलायबल होने की संभावना बढ़ जाती है अब वैलिड और रिलायबल है क्या वैलिड है जिस उद्देश्य के लिए बना है जिस उद्देश्य के लिए बना है जिस काम के लिए बना है उस काम की पूर्ति करता हो कि आपको केवीएस की पेडोगॉलॉजी जांचने के लिए क्वेश्चंस बनाने थे ऐसा ना हो मैथ्स के क्वेश्चन आपने उसमें डाल दिए फिर वो वैलिड नहीं कहलाएंगे है ना फिर वो हाँ बिल्कुल इनफ है एक्शन ड्राफ्ट वैलिड नहीं कहलाएंगे तो जिस काम के लिए जो उद्देश्य के बनाई गई हैं चीजें क्या वो उसको उसकी पूर्ति कर पा रही हैं? फिर रिलायबिलिटी क्या है विश्वसनीयता इसको वैधता कहते हैं विश्वसनीयता क्या है भाई कि सेम रिजल्ट दे पा रही हैं चीजें बार बार अगर आप एग्जामिन कर रहे हैं तो क्या सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं बताइएगा तो अगर सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं ऐसा हो सकता है कि कोई टेस्ट रिलायबल हो रिजल्ट्स सेम आ जाएं बार बार में लेकिन वो वैलिड ना हो तो यहां पे रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम तो फॉर श्योर है ही ऐसा नहीं कि ए ऑप्शन गलत है रिलायबिलिटी की तो प्रॉब्लम यहां पे फॉर श्योर है ही लेकिन ये रिलायबल तो हो सकता है कुछ सिचुएशन में ठीक है अगर एक व्यक्ति की आदत बन गई है उसको पता है कि इतना नंबर मेरे को देने हैं बार बार इस तरह का अगर मेरे को आंसर दिखे जो भी आपका असेसमेंट करने वाला व्यक्ति है बट इवेंचुअली शुरुआत में हो सकता है रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम हो इवेंचुअली ये वैलिडिटी ही कम कर देगा एक टेस्ट की क्योंकि जो टेस्ट रिलायबल नहीं है इवेंचुअली वो हिट करता है वैलिडिटी को भी ठीक तो एक अच्छे टेस्ट के कुछ गुण हैं जैसे कि रिलायबिलिटी वैलिडिटी ऑब्जेक्टिविटी ये आपके कुछ गुण हैं इसको इस तरह से भी देख सकते हैं हम अगर देखना चाहें कि हाँ अगर हम ये देखना चाहें तो इस तरह से देख सकते हैं कि रिलायबल नॉट वैलिड यानी सेम कंसिस्टेंसी तो आ रही है बार 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 टारगेट सेम जगह पे हिट हो रहा है लेकिन वैलिड नहीं है क्योंकि वैलिड होने के लिए सेंटर में हिट होना चाहिए ठीक तो जिस चीज के लिए बना है उस चीज पे खरा नहीं उतर पा रहा वैलिड नॉट रिलायबल अब वैलिड है इसके आसपास है बट रिलायबल नहीं है इस बार कुछ अगली बार कुछ और रिजल्ट नीदर रिलायबल नॉर वैलिड यानी टारगेट से कोई दूर दूर तक संबंध ही नहीं है बोथ रिलायबल एंड वैलिड कब होगा जब टारगेट के पास भी हो सेंटर में भी हो और बार बार लगभग सेम ही रिजल्ट आए तब वो रिलायबल और वैलिड कहलाएगा कि सेम रिजल्ट आता है और जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है उसकी पूर्ति करता है कोई रिजल्ट समझ पा रहे हैं हम बात को आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे किसी का इस चीज में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हम इस पे चर्चा कर सकते हैं चलिए खैर आगे बढ़ते हैं देखिए इसमें पॉसिबिलिटी है कि वो रिलायबिलिटी को काउंट कर जाए क्योंकि बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है दोनों में यहां जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है इन्होंने ठीक आगे बढ़ते हैं बट हम वैलिडिटी की तरफ जाएंगे क्योंकि इवेंचुअली वैलिडिटी हिट होगी इस केस में ठीक हाई क्वालिटी फीडबैक में फोकस ऑन दी टास्क सब्जेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक फीडबैक जब जब आप कर रहे हैं बच्चों को जब बच्चे का आकलन कर रहे हैं या फीडबैक देंगे उसको तो किस कौन सा फीडबैक हाई क्वालिटी फीडबैक है कौन सा लो क्वालिटी फीडबैक है ये अवॉइड करना चाहिए एज अ टीचर आपको तो उच्च गुणवत्ता वाला फीडबैक हम प्रतिपुष्टि किसको कहेंगे जो फोकस करता है टास्क पर कि भाई मान लीजिए बच्चे को आपने कोई टास्क दिया था एक टास्क बेस्ड लर्निंग होती है ना आगे बढ़ेंगे समय में पूरा किया कितने अच्छे से पूरा किया इस बारे में आप फीडबैक देंगे ना कि बच्चे पे पर्सनल कमेंट करेंगे अरे तुम तो हो ही खराब अरे तुम तो ढीले हो है ना फालतू तो बातें बच्चे के पर्सनल पर्सनैलिटी पे नहीं उसके अटैक करना हमें क्या करना है उस टास्क पर या उस एक सब्जेक्ट? जो काम हम उससे करा रहे हैं उस समय पे जिस चीज के लिए हम फीडबैक दे रहे हैं उस चीज़ पे फोकस करना है ना कि बच्चे को ही लेबल कर देना है तो हाई क्वालिटी फीडबैक में क्या होगा हम टास्क पे फोकस करेंगे हम सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे हम सेल्फ रेगुलेशन स्ट्रेटेजीज पर कि चैलेंजिंग टाइम्स में बच्चा खुद को कैसे मैनेज कर पाता है या कैसे रेगुलेट कर पाता है अपने इमोशंस को ये सारी चीजें जो है वो

फलाने हो है ना तुमने कहा काम ठीक किया है आपने अब ये वेग हो गया कि आप कहना क्या चाह रहे हो एग्जैक्टली बताओ ना कि बट हो सकता था क्या हो सकता था तो आपको जो फीडबैक देना है वो क्लियर देना है बच्चे को जिससे स्पेसिफिक होकर के देना है कि आप टास्क सब्जेक्ट या सेल्फ रेगुलेशन स्ट्रेटजीज इन पॉइंट्स पे ही उसको फीडबैक दें क्लियर फीडबैक दें स्पेसिफिक होकर के दें ना कि जनरल और वेग टर्म्स में या फिर बच्चे की पर्सनल विशेषताओं पे कि वो किस परिवार से आता है वो कपड़े कितने अच्छे पहनता है है ना या उसकी पर्सनैलिटी कैसी है तो उनसे बेटर है कि आप टास्क बेस्ड उसको फीडबैक दें फिर आता है क्वेश्चन नंबर फाइव ये क्या कहता है देखते हैं एक बार एज अ टीचर वाइल इवेल्युएटिंग लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स यू शुड अवॉइड भाई एक टीचर के रूप में जब आप बच्चों के अधिगम को क्या कर रहे हैं इवेल्युएट कर रहे हैं उसका मूल्यांकन कर रहे हैं कि बच्चे सीखते कैसे हैं तो अवॉइड क्या करेंगे बचेंगे किससे ये नॉट वाले क्वेश्चन सबसे खतरनाक होते हैं तो किस चीज से बचना है जब हम बच्चे के बच्चों को इवेलुएट कर रहे हैं आकलन कर रहे हैं ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव थे वो किस हद तक अचीव हो पाए हैं या फिर हमने कैसे लर्निंग एक्सपीरियंसिस दिए हैं उसमें सुधार की क्या जरूरत है वाह वाह साहिल आपको हम ब्लॉक करेंगे ऐसी फालतू शायरी करोगे थोड़ा अच्छा लेवल की शायरी करोगे यार हैं तुम तुमको भी हंसी आ रही है हुँ? मैम आंटी कैसी हैं उनका पूरा ध्यान रखें शालू कह रही हैं शालू ध्यान तो पूरा रखा जा रहा है बट उस ध्यान रखने में बैंड भी बज रही है थोड़ी है ना थोड़ा रूटीन डिस्टर्ब है बाकी लोग भी हैं मतलब दीदी हैं और भी तो बट फिर भी चीजें हो जाती हैं क्योंकि सबके अपने अपने काम भी हैं साथ में तो बड़ा हो जाता थे बार है। फिर थोड़ा सा अटेंशन की जरूरत ज्यादा है देखिएगा एक बार निकल जाएगा ए टाइम भी कोई दिक्कत नहीं नाइनटी थ्री परसेंट लोग 93 थ्री परसेंट लोग ऑप्शन कह रहे हैं कि किस चीज से बचना चाहिए तो इसमें तो आप श्योर हैं कि मेकिंग कंपेरिजन बिटवीन दैम बच्चे को कंपेयर नहीं करना होता बच्चे को कोलेबोरेशन की तरफ लेके जाना है कंपेयर करना है तो उसकी ही तुलना उसी से करनी है भाई तीन महीने पहले कैसे थे और आज कैसे हो अच्छे हो बुरे हो बेहतर हो क्या कर सकते हो बेहतर बच्चे को ही खुद से कंपेयर करें आप खुद को खुद से कंपेयर करें आपस में दो लोगों को कंपेयर ना करें वो फेयर नहीं होता लाइफ में कभी भी है ना वो सही तरीका भी नहीं है स्पेशली सिखाने का फिर हम सिर्फ कॉम्पिटेटिव स्प्रिट नेगेटिव वाली भरते हैं एक कॉम्पिटेटिव स्प्रिट होती है कि आप खुद में विश्वास आपका बढ़ रहा है अपनी क्षमताओं में आपकी सेल्फ एफिकेसी आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ रही है ना

रिकॉर्डेड डेटा के आधार पे तो हम ये कहेंगे कंपैरिजन करना गलत बात है और जो गलत बात है वही सही बात है क्योंकि हमसे पूछा ही गलत है तो जो गलत वही सही सिंपल बात कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या फ्लो बनने में थोड़ा सा समय लगेगा हमारा अभी क्योंकि काफी टाइम से कंटिन्यूटी हमारी ब्रेक हुई है ठीक चलिए खैर आगे बढ़ते हैं तो तुलना करना सबसे खराब बात हो जाएगी फिर आता है क्वेश्चन नंबर सिक्स पढ़िए जवाब दीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैंने बैचेस में कराया भी ये टॉपिक आपका दिया भी हुआ है सिलेबस में कि इंपेयरमेंट डिसेबिलिटी और हैंडीकैप में क्या अंतर है 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 ना मुझे लगता है इस पे एक क्वेश्चन तो बनना चाहिए इंपेयरमेंट डिसेबिलिटी और हैंडीकैप के बीच में अंतर पूछा है रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन जैसे जैसे हम क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन अच्छे होते चले जाएंगे तो रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन इंपेयरमेंट यानी क्षीणता अपंगता एवं अक्षमता के मध्य अंतर के संदर्भ में हम निश्चित रूप से क्या कह सकते हैं बताइए फटाफट से बताइए कोई समस्या नहीं आयत कह रहे हैं ठीक है देखेगा बिल्कुल स्टिक करना सिलेबस पे बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजों पे अभी समय व्यर्थ नहीं करना क्योंकि अगर आपने स्टिक कर लिया सिलेबस पे तो बहुत सारी चीजें अपने आप ही प्रॉब्लम सॉल्व हो सॉल्व हो जाएंगी होगा आंसर कह रहे हैं कई लोग चलिए देख लेते हैं क्या होगा इंपेयरमेंट क्या है तो इंपेयरमेंट रेफर्स टू दी एबनॉमेलिटी ऑफ अ स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन बात तो सही है डिसेबिलिटी क्या है डिसेबिलिटी इज द फंक्शनल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंपेयरमेंट फिर है हैंडीकैप इज हैंडीकैप इज ऑल्सो डिफाइंड एज सोशल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंपेयरमेंट ठीक है हैंडीकैप रेफर्स टू टू यूज डिफरेंट ऑर्गन इफेक्टिवली एज नॉर्मल पर्सन डू ये नहीं है ये, ये किसके बारे में डिसेबिलिटी के बारे में बात है है ना ये डिसेबिलिटी के बारे में बात है society के में ऑर्गन डिफेक्टेड defect, है या कुछ मिसिंग है कोई ऑर्गन या प्रॉब्लम जो आपकी फिजिकली स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम है वो इंपेयरमेंट कहलाती है क्षीर्णता कहलाती है कि इस चीज की कमी है या ये डिफेक्टेड है ठीक है ना जैसे मान लीजिए मेरा विजन जो आंख में कोई नर्व मिसिंग है या कुछ और ब्रेन में कोई नर्व मिसिंग है हाथ ठीक से काम नहीं करता वो डेवलप ही नहीं हो पाया था तो ये जो हाथ काम करना बाद में आएगा लेकिन हाथ का स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं मान लीजिए उसकी वजह से मैं लिख नहीं पाती हूं तो हाथ का स्ट्रक्चर ठीक ना होना इंपेयरमेंट है उसकी वजह से लिख ना पाना डिसेबिलिटी है हैंडीकैप क्या है जो समाज हमें सोसाइटी सोशली जब हम ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे इस वजह से तो वो आपका हैंडीकैप बन जाता है ठीक इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है समझते हैं देखते हैं ठीक है तो हम ये कहेंगे कि यहां पे इंपेयरमेंट रेफर्स टू ऑफ 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 स्ट्रक्चर फंक्शन एन ज्यादा बेहतर ऑप्शन है है ठीक ना तो ऐसा नहीं है इंपेयरमेंट का ही हमेशा परिणाम होगा डिसेबिलिटी के कारण डिफरेंट हो सकते हैं कई बार आप मान लीजिए आप में कोई डायरेक्ट कुछ मिसिंग नहीं है बट ऐसा भी तो हो सकता है फिर भी कोई डिसेबिलिटी क्रिएट हो जाए किसी भी वजह से आगे बढ़ेंगे इसको इस तरह से देखेंगे अब एक ये आपका दिव्यांगता हैंडीकैप्स इन तीनों की आईसीआईडीएच बोल रहे हैं इसको हम इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है और इसको क्या कहा गया आईसीआईडीएच के द्वारा कहा गया है कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट्स Disability and handicap, इसकी full form भी याद रख सकते हैं. Based on the bio disease model. Bio disease क्या होगी भाई? Bio का मतलब है हमारी बायोलॉजी हमारी हेरिडिटी हमारा स्ट्रक्चर ठीक साइको क्या हुआ जो हमारे मन या हमारे मस्तिष्क से चलने वाली चीजें या फंक्शन करने वाली चीजें हैं तो हम कह देंगे ब्रेन या माइंड कह लीजिएगा आप सोशल क्या है जो सोसाइटी ने हमको एक क्रिएट कर दिया है क्योंकि हमें मान लीजिए चलने में हमारे पैर में कोई दिक्कत थी तो उसकी वजह से हम दौड़ नहीं पा रहे थे बट सोसाइटी ने क्या कहा अरे तुम तो फलाने हो तुम तो ऐसे हो या तुमको तो इस चीज में इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे तो वो तब हैंडीकैप बन जाता है जब तक आपको उस चीज से दिक्कत हो रही थी वो डिसेबिलिटी थी लेकिन जो फंडामेंटली जो चीज मिसिंग है या आपका मान लीजिए स्ट्रक्चर में ही जो प्रॉब्लम है वो अपने आप में इंपेयरमेंट कहलाता है इसकी डेफिनेशन ऐसे भी देख सकते हैं ये आपको पीडीएफ मिल भी जाएगी इसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैंने ऐड देखिएगा अगर हम बात करें यहां तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल तो यहां पर क्या बात हो रही थी यहां पर बात हो रही थी कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों ही किसमें इंपेयरमेंट में आ जाएंगे ठीक लेकिन इन्होंने क्या किया फंक्शनल को जस्ट फंक्शनल को अलग से डाल दिया बी ऑप्शन में ठीक तो तो अगर हम हम कहें और और से से संरचना संबंधित दुर्बलता या समस्या impairments कहलाएंगी यानी कहेंगे ये इंपेयरमेंट है ठीक जब बच्चे की संरचना में कोई प्रॉब्लम हो या कार्यात्मकता में उसकी वजह से कोई समस्या आ रही है डिसेबिलिटीज और रेस्ट्रिक्शन ऑफ एक्टिविटीज इन एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जब डेली लिविंग की एक्टिविटीज में दैनिक गतिविधियों में उसको समस्या हो या क्या हो रेस्ट्रिक्शन महसूस हो लिमिटेशन महसूस हो तो वो डिसेबिलिटी हैंडीकैप्स और पार्टिसिपेशन हैंडी हैंडीकैप्स क्या है पार्टिसिपेशन लिमिटेशन इन सोशल इंटीग्रेशन कि हमने ये कह दिया कि ये वाली रेस हो रही है इसमें आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते या इस जगह पे आप नहीं जा सकते क्योंकि आपको ये समस्या है तो समाज ने रोक दिया तो हैंडीकैप हो गया शरीर या फिर बेसिकली उस किसी एक ऑर्गन के या ऑर्गन के मिसिंग होने पे या डिफेक्टेड होने पे जो प्रॉब्लम है वो आपकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों समस्याएं उससे होंगी वो इंपेयरमेंट बन गया अब अबिलिटीज और ऑफ एक्टिविटीज इन एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग अब क्योंकि कोई एक ऑर्गन या तो डिफेक्टेड है या तो फिर मिसिंग है या तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है तो वो इंपेयरमेंट की वजह से क्या होगा जो आपकी डेली एक्टिविटीज होंगी वो अफेक्ट होंगी अफेक्ट होंगी तो उसको डिसेबिलिटी कह रहे हैं हम उस केस में डिसेबल्ड बन जाएगा व्यक्ति क्यों क्योंकि कोई एक इंपेयरमेंट है ठीक आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे समझते हैं क्या कहानी है इन एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम ए बी सी ही कहेंगे इसको तो है ना कि एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ए बी एल भी कह देते हैं गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या तो ये भी आपकी वही कंस्ट्रक्टिविज्म पे ही आधारित है रचनावाद पर ही आधारित है ठीक है ना क्वेश्चन में नॉट होना चाहिए था मुझे भी लग रहा है इसमें मिसिंग है कहीं तो नॉट तो देखेगा एक बार चेक कर लेंगे उसको अगर नॉट हुआ तो क्योंकि वो डिसेबिलिटी वाला पॉइंट भी पूरी तरह से गलत नहीं था बट अगर सबसे बेहतर ऑप्शन चूज करते तो फिर हमारा इंपेयरमेंट वाला ही था मुझे भी लग रहा है इसमें नॉट होना चाहिए था एक बार चेक कर लेंगे लोग कमेंट कर रहे हैं today, निशा जी निशा जी मुझे ही बहुत दिनों बाद मिली है मैं ही पता नहीं कौन सी दुनिया में थी इतने टाइम से

इंडिविजुअल डिफरेंसेस की कमी हो जाती है है ये पॉइंट याद रखिएगा ना मानकीकरण जब हम बहुत ज्यादा करते हैं क्योंकि वो मानकीकरण बड़ी पॉपुलेशन के लिए है अगर मान लीजिए हम केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम ले रहे हैं या सीडेट का एग्जाम ले रहे हैं तो बीस लाख लोग मान लीजिए अगर दे रहे हैं कि वी एस में तो नहीं है ऐसा तो उस केस में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे उतना फोकस नहीं जाता कि इस व्यक्ति की क्या नीड्स है ये किस तरह से मान लीजिए कोई बच्चा हो जो ओरली ज्यादा अच्छे से सुना दे लेकिन हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस का हम ध्यान नहीं रख पाते स्टैंडर्डाइज में क्योंकि बड़ी पॉपुलेशन को कैटर करना होता है

गतिविधियों में रूपांतरित कर दिया जाता है एक्टिविटी बेस्ड का मतलब ये जो नॉर्मल सिलेबस है उससे डिफरेंट हो गया इसका पूरा बेस आधार क्या है एक्टिविटी है कि हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज से पूरा सिलेबस कवर करा देते हैं तो इसकी बहुत बड़ी विशेषता है कि जो होल सिलेबस है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है एक्टिविटीज में कि बच्चा एक्टिविटीज के थ्रू सीखेगा है ना ऐसा नहीं है कि एक्टिविटीज डिसाइडेड इन एडवांस बिफोर दी स्टार्ट ऑफ द सेशन सिर्फ सेशन के स्टार्ट से पहले ही होंगी ऑप्शन उतना बुरा नहीं था कि हम इसको बिल्कुल नेगेटिव कह दें क्योंकि पेडोगॉजी में ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही कट टू कट मना हो जाए बाकी के तीनों ऑप्शन लैंग्वेज का भी फर्क आता है कॉन्सेप्ट में सब्जेक्टिविटी होती है कई बार हमें बेहतर ऑप्शन चाहिए चार में से वही वाला रूल लागू होगा आप अपने लिए किसी को पसंद कर रहे हैं ढूंढने जा रहे हैं शादी कर रहे हैं आपको बेस्ट चाहिए बाकी ऑप्शन में है ना ठीक है आगे बढ़ते हैं एक नंबर वही दिलाएगा आपको ठीक तो ये एक बेसिक सी बात हुई एक टास्क बेस्ड लर्निंग भी है ये तो एबीएल हुई आपकी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सब कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच जो है आपकी रचनावादी उससे ही प्रभावित हैं क्योंकि बच्चे को एक्टिव रखने की बात करते हैं मीनिंगफुल लर्निंग होगी यहाँ पे टास्क बेस्ड लर्निंग टीबीएल में क्या होता है एक टास्क दिया जाएगा टास्क को आधार बनाया जाएगा प्रेजेंटेशन होगी एक इस टास्क पे फोकस करेगा प्लानिंग करी जाएगी फिर उसके बाद क्या होगा प्री टास्क क्या है इसमें तीन स्टेजेस हैं कि टास्क से पहले बच्चे को एंगेज कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक्सप्लोर करा रहे हैं फिर टास्क के टाइम पे उस टास्क पे फोकस होगा फिर उसके बाद रिव्यू या इवेल्यूएशन जैसा कि हर जगह पे होता है कि वो टास्क कितना एक्यूरेटली कर लिया गया है ये चीज होती है टास्क बेस्ड लर्निंग में टीबीएल हम इसको बोलते हैं अब अगर हम बात करें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एबीएल के कुछ सिद्धांत हैं बेसिक बेसिक एबीएल में हमने क्या देखा पूरे सिलेबस को हमने क्या कर दिया ट्रांसफॉर्म कर दिया एक्टिविटी बेस्ड चीजों पर जैसे अभी ये उड़ने का कॉन्सेप्ट किससे एक एक्टिविटी करके सीख रहे हैं है ना कोई समाज में कोई समस्या चल रही है उसका नुक्कड़ नाटक से सीख रहे हैं अगर जो कॉन्सेप्ट है तो यानी सारे सिलेबस को ट्रांसफॉर्म कर दिया एक्टिविटी में तो वो एक्टिविटी बेस्ड हो गया ठीक है ना तो अब यहां पर हम क्या सीखेंगे प्रतीक्षा बताइए कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के कुछ पांच सिद्धांत हैं जो महत्वपूर्ण है एक्ट एज अ गाइड रेदर देना लेक्चरर ये हमें वैसे भी ध्यान रखना है कि लेक्चर मेथड को हम बहुत अच्छा नहीं मानते लेक्चर मेथड कब अच्छा है व्याख्यान विधि कब अच्छी है इसको चॉक एंड टॉक मेथड कहते हैं जैसे अभी जो स्थिति है हमारी थोड़ी बेटर है हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है आज की दुनिया में अदरवाइज आज से बीस तीस साल पहले हम क्या देख रहे हैं आज भी बहुत सारी जगह पे चौक का इस्तेमाल किया जाएगा और टॉक का इस्तेमाल किया जाएगा तो ये थोड़ा बोरिंग हो जाता है लेकिन इसका फायदा क्या है कि आप ज्यादा इंफॉर्मेशन को कम समय में डिलीवर कर सकते हैं ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन यानी ज्यादा बड़े जो स्टूडेंट्स की संख्या अगर बहुत ज्यादा है तो आप हजार दो हजार दो सौ पांच सौ लोगों को भी लेक्चर दे सकते हैं अगर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें तो तो इसको चॉक एंड टॉक मेथड कहते हैं बहुत ही पुरानी विधि है लेकिन इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि ये पैसिव बना देती है बच्चे को टीचर सेंटर्ड मेथड है ठीक तो हमें यहाँ पे क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या है कंस्ट्रक्टिविज्म आधारित है कंस्ट्रक्टिव एक तरह से रचनावाद बच्चे को एक्टिव रखने पर फोकस करेगी नाम ही है एक्टिविटी बेस्ड यानी प्रतिक्रिया की या सक्रियता की बात कर रहे हैं हम तो यहाँ पे टीचर को एक गाइड के रूप में यू, यू, वो करना है अपने आपको प्रेजेंट ना कि एक लेक्चरर के रूप में कि जो बस ज्ञान देकर के चला जाए गाइड या फैसिलिटेटर क्या होगा जो उनके बीच में रह के नॉलेज को क्रिएट करा सके फैसिलिटेट कर सके जिन चीजों की जरूरत हो वहां पर वो अवेलेबल कराई जाए मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट्स ये जरूरी है कि डिस्कशन यानी चर्चा की जाए परिचर्चा की जाए डिबेट्स हो क्लासरूम में तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम बात कर पाए ठीक एनकरेज स्टूडेंट इंटरेक्शन बच्चे भी आपस में इंटरेक्ट कर पाए ग्रुप बनाकर के कोऑपरेट करें कोलेबरेट करें डिबेट करें सत्तर एक्टिविटीज हो सकती है बी फ्लेक्सिबल एंड क्रिएटिव जितना हो सके कुछ नई एक्टिविटीज कुछ डिफरेंट सोचना है लीक से हट के सोचना है आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है फ्लेक्सिबल यानी लचीलापन होना चाहिए एक तरीका काम नहीं किया तो दूसरा दूसरा नहीं तो तीसरा डिफरेंट डिफरेंट वेज को हम यूज कर सकते हैं एक्सप्लोर इंटरक्टिव ऑनलाइन टूल्स यानी आजकल के समय में हम जब डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे हैं ट्वेंटी सेंचुरी स्किल्स की बात कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिसमें डिजिटल लिटरेसी अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है तो यह जरूरी है कि हम आईसीटी का डिजिटल लिटरेसी का प्रयोग करें ऑनलाइन टूल्स का प्रयोग करें बच्चों को अलग अलग वीडियोज दिखा सकते हैं वर्चुअल एक्सपीरियंस दे सकते हैं और उनको सिखा सकते हैं क्वेश्चन नंबर एट है क्वेश्चन नंबर एट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट शुड अर टीचर यूज टू डिटर्मिन एबिलिटी टू परफॉर्म वेल इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी और एक्टिविटी यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक टीचर को टीचर की एक बच्चे की क्षमता कि कितना बेहतर करेगा किसी एक एक्टिविटी में या किसी एक फील्ड ऑफ एक्टिविटी में किस तरह के टेस्ट से मेजर हो पाएगी ठीक है ना मुसाफिर कह रही मैम इग्नोर मत करो प्लीज क्या पूछ रहे हो भाई है ना क्वेश्चंस मैं कम ही ले रही हूं ठीक है ना क्वेश्चन में कम ही ले रही हूँ हमारा फोकस इस बात पर समय कम है तो हम पढ़ लें आपके पीछे ऑप्शन छिप जाते हैं लोग हम साइड ही हो जाते हैं ऑप्शन देख लीजिए फटाफट से

ये तो सोचना ही नहीं है कि मॉक टेस्ट में नहीं आ रहे तो कहीं नहीं आएंगे अब तो पढ़ो बस जितना हो सके ठीक तो अगर हम यहां देखें तो हम ये कह रहे हैं कि आपके हिसाब से एप्टीट्यूड बन रहा है स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि ये इसलिए देखा जाता है कि कितना अचीव कर लिया जो भी ऑब्जेक्टिव शुरुआत में जब क्वेश्चन पूछे कि जो ऑब्जेक्टिव निर्धारित हुए थे वो किस हद तक अचीव हो पाए हैं इसके लिए अचीवमेंट टेस्ट होगा लैंग्वेज का अंतर है थोड़ा सा एंड इंटरेस्ट

लेसन प्लानिंग करते समय एक पाठ योजना बनाते समय एक शिक्षक और शिक्षिका को नहीं चाहिए कि यानी लेसन प्लानिंग करते समय आप क्या नहीं करेंगे ये पूछा है तो लेसन प्लानिंग करते समय आप कंसल्ट करेंगे रेफरेंस बुक को बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा थोड़ी है कि आप अपना लेसन प्लान कर रहे हैं तो आपका जब हम सिलेबस भी कर रहे हैं, तो पता नहीं कितने सोर्सेस

तो जरूरी है, point, uh, option, learners, बच्चों प्रदर्शन का स्तर ज्ञात करना।, अच्छा। मतलब, uh, करना चलो ठीक है कुछ हद तक ठीक है कि हम शुरुआत में प्रीवियस नॉलेज के लिए प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं देख रहे हैं कि बच्चों को आता कितना है तब उसके प्रीवियस नॉलेज से नए नॉलेज को हम जोड़ करके पढ़ाते हैं वरी अबाउट द एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ हिज और हर टीचिंग अबाउटिंग गड़बड़ है कि आप लेसन प्लानिंग कर रहे हैं और आप पहले से ही क्या है चिंतित हैं कि परिणाम क्या आएगा कितने बच्चे पास होंगे कितने बच्चे फेल होंगे कितने बच्चे टॉप करेंगे तो ये सही तरीका नहीं है लर्निंग का कि आपका फोकस सारा जो है वो इस बात पे हो जैसे अभी कई लोगों का होगा कि हाय रे पास होगा कि फेल होगा कहीं फेल ना हो जाऊं कहीं फेल ना हो जाऊं बजाई होना किस चीज पे चाहिए कि क्या क्या पढ़ लू रेफरेंस मटीरियल है ना अभी किस लेवल पे हूं ठीक है उसको चेक कर लेकिन परेशान ना इतने आ रहे हैं मॉक टेस्ट में तो ये सोच लूं के अब जो है आउटकम क्या होगा आउटकम क्या होगा इसकी वरी नहीं करनी है चिंता नहीं करनी है इस चीज की बट हो जाती है थोड़ी नो द होम बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर्स यानी बच्चे किस परिपेक्ष से आ रहे हैं ये जानना भी जरूरी होता है यहां पे आप बच्चे को जज नहीं कर रहे हैं कि वो गरीब परिवार से है अमीर परिवार से है यहां पे आप उसकी जो बैकग्राउंड है जो पृष्ठभूमि है जिस पृष्ठभूमि से वो आता है उसको जानेंगे तो अच्छे एग्जाम्पल जिस दुनिया से वो आता है वो जो स्कूल और घर के बीच का गैप है जो एनसीएफ कहता है उसको आप कम कर पाएंगे ये जो गैप है कि बच्चा स्कूल में अनकंफर्टेबल या उतना कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाता जितना वो घर पे करता है इसको आप कम कर पाएंगे इस गैप को है ना ये जो गैप है किसके बीच में स्कूल और होम के बीच में इसको आप कम कर पाएंगे यदि आप बच्चे से थोड़े से जुड़ जाए तो ठीक है ये गैप क्या हो जाएगा कम हो जाएगा यदि हम उसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा जानते होंगे इसलिए हम पे, पेरेंट टीचर मीटिंग्स रखते हैं जो आपका हमें जानने में मदद करती है क्वेश्चन नंबर टेन देखिएगा यह भी अच्छा क्वेश्चन है एक क्वेश्चन इस पर आएगा मुझे लगता है वेन प्रिपेयरिंग आई ंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कंसिडर्ड आसिस जब आप इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान बना रहे हैं तो किस चीज को ध्यान में नहीं रखेंगे इंडिव्यूजुअलाइज एजुकेशनल प्लान किसके लिए बनते हैं स्पेशल एजुकेशन में स्पेशल बच्चों के लिए बनाए जाते हैं सही बात ठीक है निशाने कह दिया मान लिया हमने ठीक और अगर हम बात करें किस चीज की तो इंडिविजुलाइज एजुकेशनल प्लान स्पेशल एजुकेशन में स्पेशल बच्चों के लिए बनाए जाते हैं उनके पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट लेकर के बच्चे की नीड को देखते हुए हर एक बच्चे के लिए इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखते हुए हम इंडिव्यूजुलाइज नाम ही है इंडिविजुलाइज यानी इंडिविजुअल की नीड्स को ध्यान में रख करके कोई बात नहीं प्रियल मैंने कहा था आपको बैच में भी कहा था जिस दिन सिलेबस खत्म हुआ था कि अभी जब शुरुआत में हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे तो एक दो दिन तो ऐसा लग सकता है कि यार क्या चल रहा है ये है ना या फिर गलतियां ज्यादा हो रही हैं तो घबराहट होगी बट वो कॉन्सेप्ट फिर धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे ये PDF आपके पास आएगी, इसके बारे में और पढ़ेंगे जो कि आप लोग कह रहे हैं देखते हैं करंट स्ट्रेंथ ऑफ द लर्नर भाई बच्चे की स्ट्रेंथ को बेस बनाए बिल्कुल सही बात है कि बच्चा बच्चे के अंदर क्षमताएं क्या है उसको बेस बनाया जाएगा कमियां क्या है उनको जाना जाएगा लेकिन बेस किसको बनाएंगे स्ट्रेंथ को क्योंकि हम स्ट्रेंथ पे तो बिल्डिंग बनाएंगे ना अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे तो ऑप्शन बी है इंडिविजुअल गोल्स टू बी यानी हम व्यक्तिगत उद्देश्य क्या 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 निर्धारित कर कर रहे रहे हैं हैं बच्चे के सामने प्रेजेंट उसको अचीव करना है फिर आता है टाइम फ्रेम्स फॉर अचीवमेंट ऑफ द गोल्स यानी कितने समय में क्या क्या करना है उसको अचीव करना है प्रिपेयरिंग द आईईपी विदाउट कंसल्टिंग द पेरेंट्स देखो एक टाइम फ्रेम भी ठीक है आप कुछ हद तक निर्धारित कर सकते हो बट ये टाइम फ्रेम भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए बच्चे पे इंपोज्ड नहीं होना चाहिए ठीक अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व ही ना करें यही प्रॉब्लम बन जाएगी क्योंकि पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है क्योंकि वो बच्चे को बेहतर जानते हैं बच्चा घर पे रहता है एक अच्छे खासे समय और उसकी क्या क्षमता है उसको क्यों, अगर स्पेशल एजुकेशन में डिसेबिलिटी है कोई तो उसकी क्या लक्षण है क्या वो किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करता है घर पे या नॉर्मल माहौल में वो कैसे बिहेव करता है घर पे ये सब आपको पता होना चाहिए और बच्चे की नीड और उसकी क्षमताओं को उसकी कॉम्पिटेंसीज को उसकी स्ट्रेंथ्स को ध्यान में रखकर पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के, के साथ आप एक इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बनाते हैं जो बच्चे के बेहतरी के लिए हेल्पफुल होता है तो प्रेपेर...